कोई भी हो, सभी व्यक्ति इस संसार में आपसे स्वार्थ देखते हैं, लेकिन आप बताइए भगवान आपसे क्या स्वार्थ देखते हैं? बताइए क्या स्वार्थ देखते हैं? आपको लाइट दे रहे हैं, 12 घंटा फ्री लाइट देते हैं, रात को भी पूर्णिमा को देते हैं, चलिए 1 रुपए आज तक कभी चार्ज किया आपने? आपसे कभी भगवान ने चार्ज किया क्या? 1 रुपए भी चार्ज किया? नहीं चार्ज किया। 2400 घंटा आपको जो है सो हवा दे रहे हैं, कभी भगवान ने आपसे 1 रुपए चार्ज किया? नहीं किया। 2400 घंटा आपको पानी दे रहे हैं भगवान, कभी आपको चार्ज किया भगवान ने? इन चीजों की कीमत तब पता चलती है जब कोई व्यक्ति आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो और जब लंबा चौड़ा बिल आता है ना तो व्यक्ति रोने लगता है, बोले क्यों भाई बड़ा अच्छा। हमारे शिक्षा गुरु स्वरूप गोविंद गोपाल प्रभु बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था और जब हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा तो जब उसने बिल देखा उस हॉस्पिटल का तो रोने लगा जोर जोर से रोने। क्यों? उसके बेटों ने बोला अरे क्यों रो रहे हो पिताजी, हमारे पास बहुत पैसे भी दे देता हूं मैं, इसको क्यों रो रहे हो? कहते हैं बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं कि इतने दिनों से मैं भगवान का हवा पानी यूज कर रहा हूं, हवा यूज कर रहा हूं, आज तक भगवान ने 1 रुपए का भी बिल मुझे नहीं भेजा। ये हॉस्पिटल वालों ने देखो सिर्फ 24 घंटा रखा और 1,00,000 रुपए का बिल हमारे ऊपर भेज, 1,00,000 रुपए का बिल, 1,00,000। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य जो हमें निस्वार्थ भावना से सब कुछ दे रहा है बिना किसी स्वार्थ का, बेटा आज हम उसे ही भूल गए हैं, आज हम श्री राधा माधव श्री कृष्ण को भूल गए हैं, भूल गए हैं, आज उनको भूल गए। ये बड़ा दुख का विषय है कि हम उन्हें भूल गए। आप सोचिए, कभी विचार कीजिए, आप घर पे जाएं और हवा का बिल आ जाए, भगवान एक मैसेज करे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट करे, जाइए ये बिल भर दीजिएगा। सोचिए कितना बिल भरना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में, 1 दिन का ऑक्सीजन का, 1 बाटली ऑक्सीजन का चार्ज देखिए जाके, और छोड़िए पानी का, 1 वाटर का आदि बिल भरना पड़ जाए आपको, कितना पानी आप वेस्ट करते हैं सोचिए। लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओ कंपनी वाले, लाइट कंपनी वाले की सिर्फ लाइट हम लोग शाम को यूज करते हैं 2 से 3 घंटा, उसके बिल देखते हैं 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 रुपए आते हैं। भगवान का लाइट हम लोग दिन भर यूज कर रहे हैं, रात भर यूज कर रहे हैं, लेकिन भगवान आज तक कभी 1 रुपए का बिल नहीं भेजे, और ऐसे भगवान को हम धन्यवाद नहीं, सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य। कहते ये हमारा क्लोज है, वो हमारा क्लोज है, सबसे क्लोज यदि किसी का इस दुनिया में है तो वो है कौन? राधा, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है जो आपके हृदय में सबसे नजदीक।